मेरे पीछे 4115 स्क्वायर गज का स्कूल है और उसके सामने जो है 45 दुकान है। स्कूल का ज़मीन बेच दिया गया है और 45 दुकानदारों का बिजली काटने के लिए अभी एमसीडी ने कुछ लोगों को भेजा है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मूलचंद है। अच्छा आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर वो ऊपर से डिस्कनेक्शन करने के लिए आए हैं हम। अच्छा ये लोग बिजली बिल नहीं भरते हैं क्या? नहीं बिजली का बिल तो जमा है लेकिन वो एमसीडी ने सील कर दी है दुकानें तो। अच्छा, इस एमसीडी ने क्यों सील किया है? सर इस बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। इस बारे में आप लोगों को कुछ तो कागज़ दिया होगा ना एमसीडी ने कि जाइए ये कागज़ है आपके पास? ये जो दिया है सिर्फ हमें यही दिया है कि भाई। अच्छा इस कागज़ में क्या है वो बता दीजिए हमें। सर इसके अंदर तो बस ये है कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इसके अंदर ये डिस्कनेक्ट किए जाएँ, सील बस यही है, बाकी हमें तो यही कहा गया कि और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाए। तो क्यों किया जाए रीजन तो दिया गया होगा ना? सर अब इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है हाँ, इनसे मैं लड़ झगड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इन्हें आदेश दिया गया है और ये बेचारे अपना आदेश का पालन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत। रंजीत सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं सर? सर हम तो सर कंपनी ने हमें भेजा है, एक्चुअली जो एमसीडी ने जो एक्शन लिया गया है उन्होंने सील कर दी दुकानें, तो उसके अगेंस्ट हमें भेजा गया कि यहाँ पे हमें लाइन डिस्कनेक्शन के लिए बोला गया है कि हमें यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट करने, क्योंकि एमसीडी जब किसी दुकान को सील करती है तो बीएससीएस का वो बनता है बाकी का वर्क कि उनको एमसीडी के अपने जो लाइन है उनको डिस्कनेक्शन दिखाना पड़ता है हमें। अच्छा, क्योंकि हमें लाइट और वाटर सप्लाई दोनों डिस्कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी का पता है, हम इलेक्ट्रिसिटी से हैं तो उसका बता सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का जी। अच्छा ये कागज में दुकानदारों का भी साइन है क्या? ये साइन और लिस्ट सर हमें एमसीडी ने दिया है, हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं। ये पेपर हमें कंपनी से ऑफिस से मिला, ऑफिस में आएंगे तो ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। ये फिल्मी कहानी की शुरुआत और अंत दोनों जो है इन लोगों के जीत के साथ ही होगा। आइए मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें, थोड़ा सा पास में आ जाइए, इसको पकड़िए थोड़ा सा, हाँ इसको पकड़ लीजिए। ये देखिए ये एमसीडी ने एक कागज़ दिया है इन लोगों को कि जाके इनका पानी और बिजली दोनों काट दीजिए, और इस कागज़ के पीछे लगाया है दुकानदारों का साइन। यहाँ पे देखिए दुकानदारों ने साइन किया है स्वेच्छा से, हम उनका बिजली और पानी काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन, आप लोगों ने साइन क्यों किया है यहाँ पे? ये साइन 27 तारीख को आके उन्होंने हमसे जबरन करवाए थे। क्या चीज़ पे करवाए थे? कि आपकी दुकानें जो हम सील कर देंगे, आप अपना बायोडाटा इसमें लिख दीजिए, हमें पता चल जाएगा किसकी दुकानें कौन सी हैं, फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं होगा। कहानी देखिए, बायोडाटा के नाम पे जो है इन लोगों का साइन करवाया गया व्हाइट पेपर पे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी दुकानें किसकी है, और सबका साइन करा लिया गया। अमरीश पुरिया नहीं साइन कराता था फिल्म हुआ में, जबरदस्ती उजला पेपर पे। वही बहुत सारे अमरीश पुरी आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं, लेकिन रियल लाइफ में ही अमरीश पुरी खराब थे, रियल लाइफ में बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे रियल लाइफ में बहुत सारे अमरीश पुरी बन गए हैं। और ये हमें, हाँ ये हमें इसलिए याद है क्योंकि उस दिन ये 30 नंबर दुकान वाले नहीं आए थे उस दिन, उस दिन ये उपस्थित नहीं थे, तो उस दिन ये साइन नहीं हो पाया, तो हमें याद आया कि इन्होंने 27 तारीख को हमसे बायोडाटा के नाम से कि अपना बायोडाटा दीजिए, आपकी दुकान में कौन बैठा है, आपका फोन नंबर क्या है, हमें कॉन्टैक्ट करना तो कैसे करेंगे, ये उस दिन का पेपर है। देखिए 27 नंबर वाले नहीं आए थे उस दिन, नहीं आए थे और 45 में 45 लोगों का साइन लेके गए, 45 में 44 लोगों का साइन कि अपना अपना बायोडाटा दे दीजिए, अपना बायोडाटा दे दीजिए ताकि हम आपकी दुकानों को सील ना करें इसके लिए, हाँ ताकि पता रहे कि कौन सी दुकान। उसी साइन को देखिए एक नया लेटर जारी करके उसके पीछे लगा दिए और लिख दिए कि अब जा लगिन तहनी के जमीन हमारा हवाले हो गई। और ऐसा कहानी जो है ना वो फिल्मों में होता था, एक जमींदार जो है ना कुछ गरीब लोगों पे अत्याचार करता था और अत्याचार करके पूरा जमीन जो है वो हड़प लेता था, वैसे ही एमसीडी में कुछ लोग बैठे हैं जो इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इनकी दुकानों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल, एक मल्टी लेवल पार्किंग खुलने वाला है यहाँ पे, जबकि विशेष रवि जो यहाँ के विधायक हैं उनका लेटर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ के विधायक का, एमसीडी और विधायक का लेटर दोनों अलग अलग है। यहाँ एमसीडी में भाजपा है और यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। एमसीडी वाले भी संवैधानिक पद पे और विधायक भी संवैधानिक पद पे, और दोनों संवैधानिक पद का लेटर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि गलत तरीके से जो है स्कूल को बंद कर दिया गया, 1940 से यहाँ पे स्कूल था,
जो लड़कियों का था, लड़कों का भी यहाँ पे स्कूल था और उसे नहीं बंद किया जाना चाहिए। इसके आसपास में चार जगह आप पार्किंग बना सकते हैं, ज़मीन है आसपास में, लेकिन उन चार जगहों पे पार्किंग नहीं बना के जो है सरकारी स्कूल को तोड़ के पार्किंग बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल को तोड़ना आसान है और कुछ गरीब लोगों का दुकानों पे बुलडोजर चलाना आसान है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज इन लोगों का दुकान सील नहीं हुआ होता। मोदी जी, कोरोना में देश के लोगों का कमर टूट गया है, ज़रा सोचिए 6 महीना बाद इन लोगों का दुकान सील करा देते। अभी देश में ओमिक्रोन है, कोरोना हर साल अपना रंग और रूप दोनों बदल दे रहा है, लेकिन यहाँ के नेता तो हर दिन रंग रूप बदल रहे हैं। तो कोरोना ज़्यादा रंग बदल रहा है कि इस देश के नेता समझ ही में नहीं आ रहा है? तो कम से कम एक बार स्वच्छ टीम का गठन किया जाए, सही टीम का गठन किया जाए, जाँच हो। अगर ये लोग गलत पाए जाए तो ये लोग जिस पाकिस्तान से आए हैं उस पाकिस्तान में इन्हें भेज दिया जाए। अगर इनके नेशनलिटी में इंडियन लिखा जाता होगा तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और सभी अगर भारतीय हैं और जय हिंद वंदे मातरम कहने में अगर शर्म नहीं आता होगा इन लोगों को, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और किसी भी हाल में इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे विशेष रवि जी का लेटर है जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये उनका लेटर है, उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? विशेष रवि जी हमारे यहाँ बहुत बार ही आए हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि जब भी एमसीडी तुम्हारे साथ कोई गलत करेगी मैं सबसे आगे आगे खड़ा हूँ। अभी तो गलत कर रही है, कहाँ है वो? विशेष रवि जी अभी मीटिंग से निकले हैं, उनका फ़ोन आया है कि वो सीमा ऑफिस होके यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने इनके एक बड़े अफसर हैं, उनको फ़ोन भी किया है कि आप इनकी बिजली बिजली ना काटें, क्योंकि ये लोग जायज़ हैं, नाजायज़ नहीं हैं, बिजली का बिल भी भरते हैं, सब कुछ है, एमसीडी इनके साथ गलत कर रही है, तो आप थोड़ा सा 24 तारीख तक, फरवरी तक वेट करें। एक और चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए जमीन, साउथ का बहुत सारा फिल्म में इस प्रकार का घटना घटता है, साउथ का देखिएगा लोग, आप लोग ध्यान से तो पता चलेगा। मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे, बिल्डिंग बनाने के नाम पे, शॉपिंग मॉल बनाने के नाम पे, देखिए ये है इन लोगों का दुकान जो 10x7.5 फीट का है, ये सारा दुकान सारा सब पे सील किया गया है, लेकिन किसी अधिकारी को हिम्मत नहीं हुआ मोहर मारने का, मोहर भी सील पे लगता है, मोहर भी। उसके अलावा ये दुकान जो है स्कूल के बाउंड्री के बाहर है और फुटपाथ के अंदर है। 1973 से ये दुकान पक्का है, 1973 से इस दुकान में बिजली और पानी का कनेक्शन 1973 से एमसीडी ने ही दिया है। एमसीडी 1973 में क्यों दिया जब ये लोग अवैध थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ये लोग अवैध हैं तो इन्हें दूसरे जगह पे एमसीडी क्यों शिफ्ट कर रहा है? ये लोग अगर गलत है तो दूसरे जगह नहीं शिफ्ट करना चाहिए। तो कहीं नहीं तो कहीं जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये 4115 गज का ज़मीन जो है उसका सारा लफड़ा है, आप देख सकते हैं। यही है वो ज़मीन जिसमें 2 सरकारी स्कूल चलता था, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कार पार्किंग स्कूल के अंदर, एमसीडी स्कूल के अंदर, मतलब एमसीडी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कार का पार्किंग किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कार पार्किंग एमसीडी स्कूल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे, देखिए। और ये पूरा करोल बाग का सबसे महंगा ज़मीन है, पूरा करोल बाग का सबसे महंगा ज़मीन है ये। देखे देश के लोग कि किस प्रकार से जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारी गड़बड़ी करते हैं। ये देखिए कितना लंबा ज़मीन है, इस पर कितना बड़ा शॉपिंग मॉल और कितना बड़ा पार्किंग खड़ा होगा, देख लीजिए कितना बड़ा ज़मीन है, सामने आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा है, आप देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ना आप बेटी को बचा रहे हैं ना बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल दे रहे हैं, तो कैसे बेटी को बचाया जाएगा, कैसे बेटी को पढ़ाया जाएगा? उसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण फैलता है तो ये पेड़ जो है ना उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इसमें 70-70, 80-80 साल पुराना पेड़ है, क्योंकि स्कूल यहाँ पर ये विशेष रवि जी के लेटर के अनुसार जो है 1940 से स्कूल है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 1927 से यहाँ पे स्कूल है। 1927 से इतना पुराना स्कूल है तो पुराना पेड़ भी होंगे,
सभी पेड़ों को काटे जाएंगे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भगा दिया गया और यहाँ पे जो है ना वो मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जा रहा है, जबकि और भी जगह पे जगह है पार्किंग बनाने का, वहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ये है कहानी और इस कहानी की जानकारी जो है देश के सभी लोगों को होनी चाहिए कि आज अगर देश की राजधानी दिल्ली के सेंटर में करोल बाग का सबसे महंगा जमीन जो है MCD सरकारी स्कूल का अगर कर्मचारियों को सैलरी देने के नाम पे बेच सकता है तो कल कुछ भी बेच देगा। 15 साल से MCD में एक ही पार्टी की सरकार है, आपने ऐसा किया क्या कि MCD को सैलरी देने के लिए जमीन बेचना पड़ रहा है? यानी 15 साल आपने कुछ नहीं किया, यानी MCD में काम करने वाले जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब अधिकारियों का पहले इनकम टैक्स से जांच होना चाहिए। जांच होगा, पता चलेगा कि आखिर उन लोगों ने कितना ईमानदारी से काम किया है। अगर ईमानदारी से काम किया होता तो MCD को नए नए स्कूलों को खोलना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल बंद होगा तब तो प्राइवेट स्कूल चलेगा ना, सरकारी स्कूल की ज़मीनों को बेचा जाएगा तब तो इस पर प्राइवेट मॉल, प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्राइवेट पार्किंग बनेगा। और ज़रा सोचिए कि MCD जो एक्सक्यूज दिया है, जो बहाना दिया है, कहीं नहीं तो कहीं MCD कहता है ना हमने विकास का बहुत सारा काम किया है, तो विकास का काम किया होता ना तो सरकारी स्कूल को बेचने का नौबत नहीं आता, कहीं नहीं तो कहीं विनाश का काम किया है और इसी वजह से सरकारी दो दो स्कूलों को बेचा जा रहा है। और 45 दुकानदार जो 1973 से यहाँ पे हैं उनके दुकानों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और वो सभी 1948 में जो है पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, उन्हें भारत प्यारा था, आज़ादी के पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भारत था, उन्हें भारत प्यारा था, उन्होंने अपनी सारी संपत्तियों को पाकिस्तान में छोड़ दिया और ये वो सोच के आए थे यहाँ पे कि हम चल रहे हैं भारत में अपने भाइयों के पास, वो सारे भाई हमें बचा लेंगे, सारे भाई हमारा साथ देंगे। और आज इसी भारत के कुछ बिकाऊ भाई जो है ना इनके दुकानों पे बुलडोजर चला रहे हैं, इनका बिजली पानी कनेक्शन काट रहे हैं और इनके दुकानों को सील कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कहाँ तक ये जायज़ है। बस इस देश के लोगों को निर्णय करना होगा कि ये गलत है कि MCD गलत है। गलत जो भी हो उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो इन लोगों के लिए खड़ा होने का प्रयास करना, क्योंकि आज अगर आप इन लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे ना तो कल कोई और आपके लिए नहीं खड़ा होगा। जय हिंद।